हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने आईफोन की स्क्रीन को अपने मी बॉक्स 4 के या फिर मी टीवी स्टिक या फिर अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ कैसे मिरर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा देर ना करते हैं दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आईफोन को अपने मी बॉक्स 4 के या फिर मी टीवी स्टिक या फिर किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ मिरर करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर सबसे पहले एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस ऐप का नाम है एयरप्ले मिरर। आप इस ऐप का नाम यहां पर अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, आप इसका आइकन भी यहां पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपने सिंपली यहां पे गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर आपको वो ऐप मिल जाएगी और आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों, आपके पास दो तरीके हैं अपने आईफोन को अपने टीवी या फिर मी बॉक्स 4 या फिर मी टीवी स्टिक के साथ मिरर करने के लिए। सबसे पहला तरीका दोस्तों कि आपको अपने आईफोन का हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने हॉटस्पॉट से अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, फिर आप अपने आईफोन की स्क्रीन को अपने टीवी के साथ मिरर कर पाएंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों, आपका डाटा जो मोबाइल फोन में आप यूज करेंगे वो खर्च होगा। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आपको किसी सेकेंड मोबाइल फोन का यूज करना पड़ेगा और उसका हॉटस्पॉट ऑन करके आपको अपने आईफोन को भी और अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को भी उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप बिना इंटरनेट के यूज किए अपनी आईफोन की स्क्रीन को अपने टीवी के साथ मिरर कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको दोनों ही तरीके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन यानी कि आईफोन का हॉटस्पॉट ऑन करके कैसे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, हम अपने पहले आईफोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे। तो हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए पहले हम सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे मोबाइल डाटा में और यहां पर आपको सबसे ऊपर मिलता है पर्सनल हॉटस्पॉट। हम यहां पर जाएंगे और इसको हम यहां से ऑन कर देंगे। तो अभी जो हमारा हॉटस्पॉट है आईफोन का वो ऑन हो चुका है। मैं जल्दी से इसको अपने मी बॉक्स 4 के साथ कनेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा आईफोन का हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने उस ऐप को ओपन करना है जो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। मैं जल्दी से इस ऐप को ओपन कर देता हूँ। तो ये ऐप एक या दो सेकंड का समय लेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे रेटिंग के लिए पूछा जाएगा, आप यहाँ से इसको लेटर पे क्लिक करके लेटर में आप जब चाहें इसको रेटिंग दे सकते हैं। फिर आपने अपने आईफोन की स्क्रीन पर जाना है और कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एयरप्ले का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा मी बॉक्स 4 के है वो शो हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अभी कुछ ही सेकंड में जो मेरे आईफोन की स्क्रीन है वो मेरे मी बॉक्स 4 के साथ मिरर हो जाएगी। आप देख सकते हैं टिक का निशान आ चुका है और वहाँ पर आप टीवी में देख सकते हैं जो हमारी आईफोन की स्क्रीन है वो भी मिरर हो चुकी है। अब जैसे मैं अपने आईफोन को यूज़ करूँगा वैसे ही सेम आप टीवी की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मूवमेंट हो रही है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी वीडियो या फिर फोटो प्ले करूँगा तो वो सेम आपको टीवी के ऊपर भी नज़र आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मैं फ़ोटो या फिर वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले कर रहा हूँ वही सेम आपको टीवी की स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। ये सभी फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको ये वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो वीडियो है वो मेरे आईफोन में बंद हो गया लेकिन टीवी के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर ये प्ले हो चुकी है। तो इस तरह करके आप अपने आईफोन का हॉटस्पॉट ऑन करके अपने मी बॉक्स 4 के या फिर मी टीवी स्टिक या फिर किसी भी एंड्रॉयड टीवी के साथ अपने आईफोन की स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको फिर कहूँगा कि आपका डाटा कंज्यूम होगा। अगर आप अपने आईफोन का डाटा यहाँ पर कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका एक बता देता हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा एयरप्ले है उसको यहाँ से हम स्टॉप मिररिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी मिररिंग अभी स्टॉप हो चुकी है। इस ऐप का दोस्तों हमें उसके अंदर भी ज़रूरत पड़ने वाली है और यहाँ से मैं सबसे पहले जो मेरा हॉटस्पॉट ऑन हो रखा था आईफोन का उसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो अब जो हमारा मी बॉक्स 4 के है वो मेरे आईफोन के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब मैं एक और यहाँ पे फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ, ये मेरे पास सैमसंग का F41 है। अब मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से हॉटस्पॉट इसका ऑन कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो हमारा हॉटस्पॉट है सैमसंग का, वो अब ऑन हो चुका है। हम चलते हैं नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स में, और यहाँ पर देखिए जो मेरा हॉटस्पॉट है इस मोबाइल फ़ोन का सैमसंग का, वो यहाँ पर मेरे मी बॉक्स 4 के साथ कनेक्टेड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डाटा है उसको ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा अभी ऑन है सैमसंग का, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल ऑफ हो चुका है, यानी कि आप ऊपर देख भी सकते हैं कि वाईफाई हैज़ नो इंटरनेट एक्सेस लिखा आ चुका है। अब हम इस मोबाइल फ़ोन के साथ अपने आईफोन को भी कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि हम अपने आईफोन को भी इस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं पहले वाईफाई पर जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए सेम हॉटस्पॉट के साथ मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि जो हॉटस्पॉट मेरे मी बॉक्स 4 के साथ कनेक्टेड है, वो मेरे अब आईफोन के साथ भी कनेक्टेड हो चुका है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं नो इंटरनेट कनेक्शन लिखा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से उसी एयरप्ले मिरर ऐप को ओपन करेंगे, और फिर से हम अपने आईफोन के कंट्रोल सेंटर में जाएंगे, और यहां से एयरप्ले पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे कि यहां पर आपको फिर से मी बॉक्स 4 के नज़र आ चुका है। हम यहां से इसको क्लिक कर देंगे, और अभी कुछ ही सेकंड्स में हमारी आईफोन की जो स्क्रीन है वो हमारे मी बॉक्स 4 के साथ मिरर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आईफोन की स्क्रीन हमारे मी बॉक्स 4 के साथ मिरर हो चुकी है। अब जो यहाँ पर हमारा स्क्रीन मिररिंग हो रही है वो बिना किसी इंटरनेट के हो रही है, यानी कि यहाँ पर अब हमारी ऑफलाइन स्क्रीन मिररिंग हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हम हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं उसका मैंने डाटा बंद कर रखा है। अब मैं यहाँ से कुछ भी प्ले करूँगा वो हमारा ऑफलाइन स्क्रीन मिररिंग में ही प्ले होगा, यानी कि कोई भी डाटा हमारा यहाँ पर खर्च नहीं होगा। आप देख सकते हैं सेम वही क्वालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है जो क्वालिटी हमें पहले अपने आईफोन का हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो वीडियो मेरे आईफोन में बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे मी बॉक्स 4K में बड़ी ही हाई क्वालिटी के अंदर प्ले हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी यहाँ पे फोटो प्ले करेंगे वो आपको अपने मी बॉक्स 4K के अंदर बड़े ही अच्छी क्वालिटी के अंदर नज़र आएगी। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपने आईफोन की स्क्रीन को अपने मी बॉक्स 4K मी टीवी स्टिक या फिर किसी भी एंड्रॉयड टीवी के साथ मिरर कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह या फिर दूसरी OTT ऐप्स को मिरर करना चाहते हैं तो आपको अपने आईफोन का पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करके फिर अपने स्क्रीन को मिरर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपका डाटा खर्च होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप बिना डाटा के स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हैं तो आपको सेकंड मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना होगा, और उसका डाटा ऑफ करके आप सेम वाईफाई के साथ दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करके स्क्रीन मिररिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।